हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। तो आज की हमें विजिट मिली है मानेसर से, तो हम मानेसर के लिए देख लेते लोकेशन कितनी दूर पड़ता है। तो यहाँ से ये हमें कुछ दिखा रहा था 28 किलोमीटर। इसने दो तीन रूट दिखाए, किसी में 21, किसी में 25, किसी में 28। ठीक है, तो हम जो सही है, रास्ता भी सही हो जिसका, वो वाली लोकेशन चूज कर लेते हैं। तो हमने चूज किया, हम जाएंगे KMP से डायरेक्ट। ठीक है, एक्सप्रेसवे से। इसने हमें 27 किलोमीटर दिखाया। तो ये हमने चाबी लगाई बाइक में, लेफ्ट राइट देखते हुए निकल पड़ते हैं। तो ये ज़रूर निकलना चाहिए पहले, स्कूटी से ऑटो से हमेशा बच के चलना चाहिए। दोस्तों, हमारी एंट्री हो चुकी है मानेसर में। ठीक है, तो हम यहाँ से अंडर पास लेंगे। हमें यहाँ से यू टर्न दिखा रहा है, तो लेफ्ट से हम अंडर पास लेंगे। रास्ते सारे VIP है, और ये हम मेन मानेसर के गांव के अंदर से होते हुए, देखिए हालत देखिए एक बार आप इसे। सारे रास्ते VIP मिलते हैं हमें। तो हम पहुंच चुके कस्टमर के घर पे। ये इन्होंने हमारे पास पहले एक वीडियो शेयर की थी रात के टाइम कि डॉग को चोट लग गई है, लेकिन जब हम मॉर्निंग में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं डॉग को हद से ज़्यादा स्किन और हेयर फॉल है। इसको स्किन एलर्जी हुई है, रैशेज, और देखो पूरी स्किन जल चुकी है, और इसकी बॉडी पर दूसरे जगह पर ये कट लगा हुआ है। ये किसी शार्प चीज़ से लगा है, शार्प ऑब्जेक्ट वायर से। ठीक है, लेकिन हम इनको बताते हैं कि जो इसकी एलर्जी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। हम इसकी जो डोज है वो रिपीट करेंगे। आज जैसे हमने इसको दिया, फिर हम इसको 7 दिन पीछे देखेंगे, फिर 14 दिन पीछे, फिर 21 दिन पीछे, ऐसे बारी बारी करके हम इसको एंटीबायोटिक लगाएंगे। और हेयर फॉल जो इसका एलर्जी और स्किन जो जल चुकी है पूरी तरह से, ये धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। इसको टाइम लगेगा, लेकिन डॉग की जो कंडीशन है अभी आप देख रहे हो, बिफोर में देखिए, कुछ टाइम बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी आफ्टर की। ठीक है, ये देखिए, इन्होंने सारे डॉक्टर से नियर बाई से कंसल्ट कर लिए, इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ है। तो इनके हमारे से किसी क्लोज ने इनके हमारे नंबर दिए और हम इनसे मिले। फिर तो हमने इसको दिए हैं 3 इंजेक्शन, जिसके अंदर एक एंटीबायोटिक है, एनीस्टा है, और एक आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल कंबाइन है। तो ये डॉग की डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से भी होता है। जब आप डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं करते प्रॉपर तरीके से, तो उस वजह से भी डॉग को स्किन एलर्जी और हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। मैंने इसकी केस हिस्ट्री देखी, इसकी सारी मेडिसिन चेक की, इन्होंने कोई सी भी डॉक्टर ने इसको कोई भी डिवॉर्मिंग के लिए सजेशन नहीं दिया, और इसको 1 साल हो चुका है, और 1 साल में इन्होंने कभी भी डिवॉर्मिंग नहीं की इस डॉग की। ठीक है, तो ये हम इसको इंजेक्शन देते हैं। ये पहला इंजेक्शन आराम से लगवा लेता है, दूसरा थोड़ा सा साल्ट तेज़ होता है तो डॉग थोड़ी सी हरकत करता है, लेकिन फिर भी हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, डॉग की रिकवरी हो जाएगी, टाइम लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि डायग्नोस अच्छे से कर लो, डॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कोई वायरस नहीं है, कोई नॉर्मल डिजीज़ है, तो आपका डॉग ठीक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे केस पे, जो हमारी कल की जो विजिट थी
मैंने रात को अपना केस दिखाया था, 103 फीवर था प्लस में, डॉग की कंडीशन बिल्कुल डेड थी। अब ये देखिए दूसरे विजिट पे हम पहुँच गए तो डॉग रिकवरी करने लग रहा है, आपके सामने आँख वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है।